फ्रेंड्स, मेरा नाम है तारिक, आप देख रहे हैं SMT टेक एंड व्लॉग और हम आए हैं गाजियाबाद फैक्ट्री के अंदर। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ प्रीसेंट किचन इक्विपमेंट्स की बैटरी रिक्शा, मतलब फूड कार्ट। इन्होंने बैटरी रिक्शा को डेवलप कर रहे हैं फूड कार्ट के अंदर, तो आज आपको मैं इस वीडियो में इनकी फूड कार्ट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ यहाँ की सेल्स टीम से। मेरे साथ यहाँ हसन भाई मौजूद हैं, मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस फूड कार्ट के बारे में। चलते हैं हसन भाई के पास। तो कैसे हैं हसन भाई? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, हम आपको दिखाने वाले हैं आज ई रिक्शा फूड कार्ट। इसमें बेसिकली हमने ई रिक्शा को एक फूड कार्ट में डेवलप किया है, मॉडिफिकेशन किया है। जो अभी सेटअप आप देख रहे हैं, ये हमारा ई रिक्शा सेटअप है फॉर रेस्टोरेंट पर्पस। इसके अलावा आप जो है आइसक्रीम पार्लर में भी सेटअप हमसे करा सकते हैं, पिज्जा पार्लर सेटअप करा सकते हैं, और भी सेटअप जो भी आप मॉडिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमाइजेशन भी कर देंगे। अच्छा, मतलब कहना ये चाहते हैं अगर कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है तो आप कस्टमाइज करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। कस्टमर नीड्स वी कैन कस्टमाइज इट। ओके, फ्रंट से आइए, हम आपको ई रिक्शा दिखाते हैं। ये इसका मीटर है, इसमें मीटर में सारी रीडिंग्स वगैरह सब कुछ दिखाएगा, कितना किलोमीटर रिक्शा चल रहा है, बैटरी कितना है परसेंटेज। ये इसमें ब्लूटूथ सेटअप भी है ना, अगर आप कोई प्रमोशन सेटअप चलाना चाहते हैं, मेन्यू सेटअप अगर कोई कस्टमर चलाना चाहता है रेस्टोरेंट वाला, तो इसमें ब्लूटूथ सेटअप है। ब्लूटूथ के जरिए आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपना मेन्यू सेटअप या गाने वगैरह चला सकते हैं। USB कनेक्शन है इसमें, माइक कनेक्शन तो है इसमें, और इसमें मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट है। ये देखिए आप, अच्छा मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमने इसमें Amron की बैटरी सेटअप की हुई है। ये बैटरी 12 वोल्ट 48 एम्पियर की बैटरी है, ठीक है। ये चार बैटरी इसमें लगी हुई है। आगे हम आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट का जो सेटअप है। ये फ्रायर है, ये फ्रायर जो है गैस ऑपरेटेड फ्रायर है। ये स्पेस हमने गैस के लिए, गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए दी हुई है। यहाँ पे आप अपना छोटा सिलेंडर गैस का आप रख सकते हैं, LPG सिलेंडर। अच्छा, ठीक है। ये फ्रायर है, फ्रायर के बराबर में हमने गिलर लिया हुआ है, तवा जिसको हम बोलते हैं। इस पे आप पराठा, डोसा कुछ भी आप बना सकते हैं। ये तवा और फ्रायर दोनों गैस ऑपरेटेड है। और इनके स्विचेस वगैरह, इनके स्विचेस वगैरह ये सारे हैं ऑन ऑफ के, सारा ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ ऑन करना है, फायर वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैचस्टिक या लाइटर वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ऑन करना है, ऑन करते ही इसमें फ्लेम आ जाएगी। हाँ जी, ये हमने इसमें एक शेल्फ दी हुई है फॉर वर्क स्टेशन पर्पस के लिए। हाइड्रोलिक शॉकर्स हमने लगाए हुए हैं, ये हाइड्रोलिक शॉकर इसमें जब भी आपको काम कंप्लीट हो जाए आप इसको बंद कर सकते हैं पूरा, और यहाँ पे आके ये रुक जाएगा फॉर वर्क स्टेशन पर्पस। ये हमारा डीप फ्रीजर है, ये 80 लीटर का डीप फ्रीजर है जो हमने इसमें दिया हुआ है फॉर चिलिंग पर्पस, फ्रीजिंग वगैरह के लिए। और ये डीप फ्रीजर टोटली बैटरी पे वर्क करता है, जो हमने बैटरी अभी आपको Amron की दिखाई थी उस पर ये डीप फ्रीजर वर्क करता है। अगर आप रिक्शा चलाते हैं और साथ में डीप फ्रीजर भी चल रहा है तो फुल बैटरी चार्ज पे 10 आवर्स डीप फ्रीजर एंड 45 किलोमीटर आप लोग रिक्शा रन कर सकते हैं। ये GN पेन हमने बैनमेरीज पर्पस के लिए लगा रखे हैं। इसमें आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट जैसे छोले, चावल, राजमा कुछ भी आप अपना स्टोर इसमें कर सकते हैं। ये बैनमेरी पर्पस के लिए हमने GN मेरीज के 6 GN पेन लगा रखे हैं एक रिक्शा में। हमने रैक दी हुई है स्टोरेज पर्पस के लिए, यहाँ पे आप अपना कोई भी स्टोर कर सकते हैं आइटम, कोई भी जैसे नैपकिन्स वगैरह या अपना कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोरेज के लिए हमने रैक दी हुई है। ये भी हमारे जो है फोल्डेबल हैं, इसमें भी हाइड्रोलिक शॉकर्स हमने लगा रखे हैं। रात को जब आपका काम वर्क कम्प्लीट हो जाए तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका लॉक वगैरह है, ठीक है, ये आपने लगा के और इसमें लॉक कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। पीछे बैक साइड में भी हमने एक वर्क टेबल दी हुई है, यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को फूड सर्व कर सकते हैं प्लेट्स में, वो लोग अपना यहाँ पे फूड रख के खाना वगैरह खा सकते हैं। इसमें भी हाइड्रोलिक शॉकर्स लगे हुए हैं, बाद में इसको आप जो है बंद कर सकते हैं। ये इसका लॉक है, ये लॉक हो गया। इसकी जो छत है हमने ये स्टेनलेस स्टील से बंद की हुई है। इसके ऊपर दो ऑप्शन है, इसमें आप पूरी छत को बंद करा सकते हैं स्टेनलेस स्टील से। इसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लग सकता है, जो सोलर पैनल डे लाइट में इसकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं सोलर पैनल तो सोलर पैनल भी इसमें ऑप्शनल है। इसमें GPS ट्रैकिंग भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं GPS ट्रैक लगवाना तो वो भी आप इसमें लगवा सकते हैं। आपने जैसे भी बताया कि इसमें सोलर पैनल हम लगवा सकते हैं कस्टमाइज करके, अगर हम सोलर पैनल रिक्शा लेते हैं तो क्या डिफरेंसेस रहेंगे नॉर्मल में और सोलर पैनल वाली रिक्शा में? सर अगर आप नॉर्मल विदाउट सोलर पैनल लेते हैं तो फुल बैटरी लाइफ पे ये रिक्शा जो है 45 किलोमीटर रन करता है, और फ्रीजर जो है वो 10 आवर्स अप्रॉक्स 10 आवर्स रन करता है।
अच्छा, ठीक है, मतलब 10 घंटे फ्रीजर चलता रहेगा कंटिन्यूअस और 45 किलोमीटर तक रिक्शा रन कर सकता है। हाँ जी, अगर आप विद सोलर पैनल लेते हैं किलोमीटर थोड़े से बढ़ जाएंगे, लगभग 45 से 60 किलोमीटर के अराउंड रिक्शा रन कर लेगा और अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स जो है वो फ्रीजर रन हो जाएगा। अब आपने इसकी सारी क्वालिटीज बता दी, तो इसके प्राइजेस क्या रहेंगे? बेसिक रिक्शा हमने रेस्टोरेंट सेटअप किया है, इसके अराउंड प्राइजेस रहेंगे अप्रोक्स 2 लाख प्लस GST एक्स्ट्रा। इसमें और भी सेटअप्स जो हैं जैसे आइसक्रीम पार्लर एंड पिज्ज़ा पार्लर, उसके अलग अलग प्राइजेज हैं। और भी अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन प्राइजेज रेंज जो है वेरी करेगी। जो बेसिक मॉडल आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है तो उसके प्राइजेस 2 लाख, उसके प्राइजेस 2 लाख रहेंगे। और अगर कोई ये वीडियो देखकर आता है तो हम उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट के तौर पर हम देंगे, वो डिस्काउंट जब भी कोई हमारे पास रिक्शा बुकिंग करेगा तो उस टाइम पर हम उसको डिस्काउंट। अच्छा, बुकिंग में अगर कोई वीडियो देख के आता है तो बुकिंग में जो भी आप डिस्काउंट कर पाएंगे वो आप डिस्काउंट देंगे, स्पेशल डिस्काउंट रहेगा इस वीडियो के लिए। ऑल ओवर इंडिया से आपसे कोई भी कस्टमर कॉन्टेक्ट करता है तो आप इसे इजिली डिलीवर करवा देंगे कस्टमाइज करके। बिल्कुल। तो गाइस, मैं मौजूद हूँ क्रीसेंट किचन इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री में, ये गाजियाबाद में है। इसका एड्रेस और इनके नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हसन भाई, रेस्टोरेंट इक्विपमेंट्स, डेयरी इक्विपमेंट्स, अच्छा, एंड पिज्जा आउटलेट्स के इक्विपमेंट्स, तो मतलब हर तरह के कमर्शियल किचन की, कमर्शियल किचन के लिए हर तरह की वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल है, ये हमारी कैटलॉग है। अच्छा, ये कैटलॉग आप देख सकते हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, लगभग हमारे पास 150 से 200 प्रोडक्ट्स हैं। 150 से 200 प्रोडक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं गाइस आप, इतने सारे इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इनकी सारी ही अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम क्रिसेंट के नाम से। अच्छा, इनका जो ब्रांड नेम है वो क्रिसेंट के नाम से है और ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लगभग 150 प्लस प्रोडक्ट्स इनके पास यहाँ अवेलेबल हैं कमर्शियल किचन के। कुछ प्रोडक्ट्स ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स ये इंपोर्ट करते हैं। ई रिक्शा का फूड कार्ट, ई रिक्शा पे सारा फूड कार्ट का सेटअप रहता है, रेस्टोरेंट सेटअप। ये देखिए, इसमें ये वैरायटीज हैं ई रिक्शा की हमारे पास, इसमें आइसक्रीम पार्लर्स, मिल्क वैन्स, पिज्जा आउटलेट्स, ये बहुत सारे ई रिक्शा के सेटअप्स हैं। मतलब आपने ई रिक्शा के ऊपर एक पूरी शॉप लाके रख दी है। ये पूछना चाहूंगा, जैसे रेस्टोरेंट्स तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, हर लोकेशन पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और स्विगी जोमेटो से लोग मंगा लेते हैं, मतलब सर्विस मिल रही है उन्हें, तो इसका आपका ई कार्ड से क्या रिलेशन है? अगर कोई ई कार्ड परचेज कर रहा है तो उसको कैसे बेनिफिट पहुंचाएगी? सर, ई कार्ड से काफी बेनिफिट है, लगभग 2 लाख में आपका पूरा रेडी सेटअप आपको मिल रहा है और ये रेडी टू मूव रहता है, इजीली मूवेबल रहता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपना लोकेशन वाइज। आप अगर लोकेशन वाइज लोकेशन आपको सूट नहीं कर रही है तो आप दूसरी लोकेशन पे उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। सारा इक्विपमेंट्स फुली लोडेड रिक्शा में रहता है, जो ई रिक्शा में रहता है सारे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सेटअप आपको जमीन पे रखना हो या कुछ फूड कार्ट ई रिक्शा के अंदर रहता है, सब उसके अंदर फिक्स है, फिक्स रहता है। और एज पर कस्टमर, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, सब हम लोग जो है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर देते हैं, कर देते हैं। तो ये तो अच्छी चीज है। और इसमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि आप अगर कोई शॉप वगैरह लेके और स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट तो वहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं और यहाँ वो आप सारी चीजें ऑलरेडी इस रिक्शे के अंदर लगी हुई दे रहे हैं, रेडी टू यूज है, मतलब सिर्फ परचेज करना है और यूज करना है आपको। अच्छा, हमारा कोई व्यूअर आपको अगर ऑर्डर करता है तो ये आप क्या ऑल ओवर दी इंडिया सप्लाई कर देते हैं? हाँ, हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, वी कैन शिप एनीवेयर। कस्टमर जैसे कोई हमारी वीडियो देख के आपके पास आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, तो कस्टमर यहाँ आ सकते हैं? सर, हमारा बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पर। जी, हमारा जो एड्रेस है वो गाजियाबाद लाल कुएं में है। अच्छा, लाल कुएं इजी है, अपोजिट टू ABS कॉलेज, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट बिहाइंड हमारा G3 पड़ता है। अच्छा, साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया। और जो है हमारा शोरूम एक चावड़ी बाजार लालकुए में है, न्यू राजस्थान ट्रेडर्स के नाम से शोरूम है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह में से कहीं पे भी, जहाँ भी सूटेबल हो वहाँ विजिट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर आपका लालकुए, चावड़ी बाजार लालकुए पे शोरूम है और यहाँ गाजियाबाद लालकुए में इनकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ विजिट कर सकते हैं। दोनों के ही एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसके साथ इनके नंबर्स यहाँ आपको डिस्प्ले पे भी नजर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी इनसे इंक्वायरी करनी है तो इनके जो डिस्प्ले पे नंबर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपकी इंक्वायरी को, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रेडी हैं। आइए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको दिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री टूर पे। आइए, क्या बना रहे हैं इस टाइम ये? सर, ये कूलिंग पाइप डाल रहे हैं वाटर कूलर के लिए, फॉर कूलिंग पर्पस।
अच्छा। ये कॉपर पाइप सोल्डरिंग कर रहे हैं इस वक्त, कूलर कमर्शियल पर्पस वाटर कूलर। इसमें हम लोग किर्लोस्कर का कंप्रेसर लगाते हैं। देखिए सर, ये हमारी पिज्जा मेक लाइन है, ये पिज्जा आउटलेट्स में फिर कूलिंग पर्पस के लिए यूज होती है। पिज्जा मेक लाइन, ये स्वीट कॉर्न यूनिट है, स्वीट कॉर्न। ये ओवंस हो गए, ये सारे ओवंस की रेंज है। हाँ, ये ओवंस की रेंज है जो भी हमारे पास रखी हुई है। फ्राइड आइसक्रीम, कॉफी मशीन, ये कमर्शियल तंदूर्स हैं जो अभी हम लोग बना रहे हैं। इसमें ये पूरा एसएस का तंदूर है, इसके अंदर जो है अभी हम लोग फिटिंग करेंगे। इसमें मिट्टी का तंदूर फिट होता है, अंदर मिट्टी का तंदूर रहता है पूरा। अच्छा। आउटर जो है वो एसएस का रहता है। काउंटर है, अंडर काउंटर की रेंज है, ऊपर स्लश मशीन्स हैं, इधर ओवंस हैं, पीछे सारे छोटे ग्रिलर्स वगैरह स्मॉल आइटम्स हैं। तो हमारे पास लगभग सारी रेंज अवेलेबल रहती है। ये इनकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और उसके साथ इनका यहाँ ये स्टॉक भी अवेलेबल रहता है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारा स्टॉक है, मतलब आप अगर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ इनका स्टॉक ही स्टॉक मिलने वाला है। पॉपकॉर्न मशीन्स हैं, बैटरी रिक्शा वगैरह हैं, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पास जाके भी दिखाऊंगा, वो बैटरी रिक्शा का स्टॉक मिल जाएगा आपको वहाँ। ये बैटरी रिक्शा स्टॉक रूम है और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में इनके पास यहाँ रिक्शाज अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ऑर्डर करते हैं तो ये ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे आपको ऑर्डर को कंप्लीट करने में, और आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आपकी फूड कार्ट ये आपको रेडी करके दे देंगे।